नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपका ओटीआर संबंधित जो आपका नया अपडेट आपका आया है, जिसमें जिन्होंने ओटीआर में आपकी गलती की तो आपके किस में आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए आपका हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपका ई केवाईसी से संबंधित ओटीआर के अंदर आपका ई केवाईसी जो है अब की बार आपका जुड़ा गया था लाइव केवाईसी का, उसका अपडेट है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जो आपका कार्यालय का आदेश जो है नोटिफिकेशन आपको दे रखा, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों से वन टाइम रजिस्टर ओटीआर में लाइव फोटो और हस्तलिपि नमूने के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका ओटीआर के अंदर ई केवाईसी में सेक्शन में आप केवल मात्र एक बार संशोधन कर सकते हैं, यानी कि आप कितनी बार कर सकते हैं, केवल एक बार उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। याद तक ध्यान दीजिएगा, केवल एक बार आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने की अनुमति प्रदान आपको दे दी गई है। इस सुविधा का उपयोग अभ्यर्थी अपने वन टाइम रजिस्टर ओटीआर के ई केवाईसी सेक्शन में स्वयं की लाइव फोटो, अपना जो लाइव फोटो जो आपने सेल्फी फोटो लिया था उसमें हस्तलिपि नमूने की पीडीएफ फाइल में अपडेट कर सकते हैं। यानी कि अभी कोई आपने लाइव फोटो लिया उसमें कोई गलती हो गई या फिर आपका पीडीएफ फाइल में कोई गलती हुई, मैं बताऊंगा आपने कहीं कोई गलती की है किस प्रकार से की है, तो उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। बस ओनली याद रखें, मात्र एक बार। यह सुविधा प्रत्येक आवेदक को केवल एक बार ही मिलेगी। आवेदक को सूचित किया जाता है कि आवश्यक अनुरूप आप सुविधा के अनुसार आप इसमें आगामी ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। अब इसमें याद रखिए, जो विद्यार्थी इसमें अपडेट करना चाहते हैं आपका ई केवाईसी के अंदर, इसके लिए आवेदक हेतु सुविधा आपको 5 तारीख से आपको स्टार्ट है, यानी कि 5 तारीख से आप याद रखिएगा इसमें अपडेट आप कर सकते हैं, यानी कि कल से आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने गलती कहाँ पर की है वो गलतियाँ भी आप देख लीजिएगा। यदि आपने फोटो लाइव फोटो में आपने किसी प्रकार की गलती की है, आपका जो लाइव फोटो है इसमें यहाँ पर आपका लाइव फोटो आपका चेहरा होगा, उसमें आपने किसी प्रकार की गलती की, यदि आपके कान नहीं दिखाई दे रहे सही तरीके से, यदि किसी प्रकार का या धुंधला आ रहा है, तो इस लाइव फोटो में आप अपडेट कर सकते हैं। एडिट लाइव फोटो का ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ओटीआर में आप जैसे ही जाएगा ई केवाईसी का ऑप्शन है वहाँ पर आपको देगा। और साथ ही याद रखिएगा, ये तो आपकी फोटो की बात हो गई, साथ ही आपका हैंड रिटन स्पेसमैन जो है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, इनके सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो मैंने नोटिफिकेशन से संबंधित जो आपको वीडियो डाला था, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हमने हैंड रिटन स्पेसमैन जो आपका ये पीडीएफ जो डाला था इसमें हमने याद रखिए हस्ताक्षर अपने इनके सिग्नेचर वाला पीडीएफ डाल दिया है, उसमें अब क्या करें। याद रखिएगा, दोबारा से आपको मौका मिल गया, आप इसमें एडिट कर सकते हो, दोबारा से आपको जो जो आपका पीडीएफ जो दिया है हैंड रिटन के लिए, उसमें आपको जो जानकारी है वो सभी आपको फिल करनी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आप उसे चेंज कर सकते हो ओनली एक बार। देखिए, ऐसे भी हैं जिन्होंने यानी कि साइज का ध्यान रखा है, 100 से 200 केबी के बीच की ही फाइल देखिए आपको अपलोड करनी है, ओनली वन आपका पीडीएफ फाइल में आपका होना चाहिए। या देखिए, आपको जो हैंड रिटन है उसमें आपको जिन्होंने गलती की है आपके, तो उसमें आपको देखिए क्या क्या गलती सुधारनी है, आपको इस प्रकार से आपको दे रखा होगा परफॉर्मा, आपने किया क्या, बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया उस इसको याद रखिएगा, एक प्लेन पेपर पर लिख लिया हिंदी प्रारूप को और इसको याद है, ऐसा नहीं करना है। ये पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट निकलवाना है, प्रिंटआउट आपके निकलवाने के बाद जो आपको इस ऊपर हिंदी प्रारूप जो आपको लिखा हुआ है सेम आपको इसे लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपका ये आवेदक का नाम जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है पिता का नाम, इस प्रकार से लिखना, पिता का नाम जो भी है आपका, पिता का नाम जो भी है वो आपको लिखना है, जन्म दिनांक आपको लिखनी है, जन्म दिनांक जो भी है वो आपको लिखना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। और साथ ही याद देखिए, यहाँ पर भी आपको हस्ताक्षर करने हैं, आपके जो भी आपके हस्ताक्षर हैं वो आपको यहाँ पर करना है, ये पूरा परफॉर्म आपको लिखने के बाद हिंदी में आपको यहाँ पर भी आपका जो भी आपका हस्ताक्षर वो आपको इसमें लिखना करना है। याद देखिए, आगे है इंग्लिश परफॉर्म आपको दे रखा है, इंग्लिश वाला भी आपको बनना है, सेम उसी पैटर्न से आपको ये पूरा याद देखिएगा यहाँ पर बनना है, यानी कि आई आपका नाम आएगा, यहाँ पर फादर्स नेम आपको लिखना है, फादर्स नेम याद रखिएगा, जो आपके रनिंग लेटर में लिख रहा है इंग्लिश परफॉर्मा उसी रनिंग लेटर में आपको लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, और यहाँ पर भी आपको याद रखिए जो भी आपका सिग्नेचर वो आपको करना है, यहाँ पर भी आपका सिग्नेचर करना है। एक काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर हम सिग्नेचर जो हिंदी वाला परफॉर्मा यहाँ पर आप हिंदी में करें या फिर इंग्लिश वाले में इंग्लिश में करें, ऐसा कुछ नहीं है, सिग्नेचर आपका साइन आपका हस्ताक्षर आपका एक ही होता है, जिस प्रकार से आप हस्ताक्षर करोगे उसी अनुसार आपको याद रखें एग्जाम के अंदर आपको हस्ताक्षर करना है, वही हस्ताक्षर रखें चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें, यानी कि सेम आपको रखना है। SSO ID आपको जो SSO ID से आप जो फॉर्म भर रहे हो आपने लॉग इन किया होगा वैसे SSO ID आप लिख दीजिएगा, जिनका गलती हो चुका है सुधार लेना। OTR नंबर आपका ध्यान से करना है, OTR नंबर को आप
देख लीजिएगा, उसके बाद ओटीआर नंबर आपको ध्यान से लिख लेना। लास्ट में परमानेंट एड्रेस, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एड्रेस ही नहीं लिखा, तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना, पूरा विलेज लिखना, आपका पोस्ट क्या है, आपका तहसील क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये सभी आपका इनकी परमानेंट एड्रेस आप सभी को लिख देना है। ये इसमें गलती आप सुधार सकते हो, ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा। या देखिए आपका हैंड रिटन स्पेस मेन्यू में काफी सारे स्टूडेंट का कलेक्शन से संबंधित अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया है, आप अपडेट कर सकते हैं। 5 तारीख से आपका ये चालू है, आपको इनके एडिट हैंड रिटन स्पेस में इस पर आपको जाकर के क्लिक करना है, तो आपका इनके द्वारा से आप इसे भर सकते हो। पर हम याद रखिएगा, पहले इसको आपका हैंड रिटन वाला जो पीडीएफ है उसे प्रिंट आउट निकलवा लेना, स्वयं से आप भर रहे हैं तो उसको प्रिंट आउट में ही आपको लिखना है, ना कि एक प्लेन पेज पर लिखना है। ये आपकी अपडेट थी ओटीआर ईकेवाईसी संबंधित, आपको किस प्रकार से लिखे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई भी नया अपडेट आएगा इससे संबंधित आपको अपडेट आपको कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।